नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर सरबजीत कौर की अध्यक्षता में जनरल हाउस मीटिंग हंगामे के साथ शुरू हुई। मेयर के कार्यकाल की यह अंतिम बैठक है और विपक्ष ने मेयर समेत भाजपा कार्यकर्ताओं को कई मुद्दों पर घेर लिया है। बैठक में इतना हंगामा हुआ कि मेयर को मार्शल बुलाने पड़े और मार्शलों ने पार्षदों को बुरी तरह से बाहर निकाला। मार्शलों को पार्षदों ने बीजेपी के गुंडे कह डाला। वहीं विरोध कर रहे पार्षदों को उठाने के लिए सिविल में मार्शल पहुंच गए हैं। विपक्ष ने कहा कि यह भाजपा के गुंडे हैं। स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हाउस असि चलन दई है। मेयर ने सानू हाउस दे विच आश्वासन दिता सी कि पानी दे रेट नहीं बदल देंगे, मैं तुहाडे नाल धरना लवांगी। अज पानी दा रेट चंडीगढ़ की जनता दे जेब ते बोझ बनिया होया। सीवरेज सेस की गल करिए, जिन्ना रेट आएगा, जिन्ना पानी का बिल आएगा, उन्ना उन्हां नूं पर सीट का 30% के हिसाब नाल सीवरेज सेस भी पै रहे। चंडीगढ़ के लोगों नूं जेब ते डाका पा रहे ने। हुण मैं तुहानूं गल दसन जा रहा, आ देखो संपर्क सेंटर दे विच जिहड़े अपने बने हुए ने, संपर्क केंद्र बने कम्यूनिटी सेंटर दे विच, एक बंदा बिजली का बिल जमा करा जा रहा है, तुहानूं एक रेवन्यू देन जा रहा है। वह रेवन्यू देन का भी पहले 25 रुपए देवे, एक UDID कार्ड यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड बना जा रहे, एक दिव्यांग बंदा जा रहा, वो तुहानूं पहले 20 रुपए देवे। एक कितों तक चंडीगढ़ से एक्सपैरीमेंट से एक्सपैरीमेंट हो रहे हैं। अपने बंदे नहीं देख रहे, इन्हों एक नॉमीनेटेड काउंसलर जिसकी 17,000 रुपए तनखा है और राशन ले रही है, राशन कार्ड बना के कुड़ी वो कनेडा पढ़ती है। यह नॉमीनेटेड काउंसलर के हाल ने, यह देखो तुम जी गीता जी, इन्हों बेटी कनेडा पढ़ती है, यह कनक ले रही है। यह बीजेपी अपने लोगों फायदा ही दे जा रही है। जनता मैं ये सर लैके आया, ता ही तुम चैक करा लो, इन्हों का राशन कार्ड बनया और इन्होंने पिछली कणक के कणक लीती है, जाके चैक करा लो। पूरा मीडिया से खड़े इन्होंने जोड़े इन्होंने नॉमीनेटिड काउंसलर ने, जोड़े इन्होंने नॉमीनेटिड काउंसलर ने, वो मिनट च वैल च आ जाते हैं। उन्होंने ये पुछो तुम जनता के जवाब दे, असी जनता के जवाब दई हाँ, थोड़े जोड़े जोड़े जितते हुए काउंसलर ने वह तो वैल च उतरते नहीं। नॉमीनेटेड इन्होंने गुंडे किए ने भी इन्हों पिछे कर दो। अज उन्होंने साड़ी प्रेमलता जी ने बदतमीजी की, एक जेंट्स बंदा प्रेमलता जी के उत्ते चढ़ रहा, इदा कभी होया अज तक हिस्टरी के इन्होंने नॉमीनेटेड गुंडे इकट्ठे किए ने गुंडे। सर मैं कहना मेयर मैडम तुम साढ़े ना तस्वीर खिचाओ, साढ़े ना बैठो, चंडीगढ़ की जनता की आवाज़ बनो, पानी के बिलों की साढ़े ना बैठो ना, असी भी फोटो खिचा रहे, तुम खिचाओ, क्यों नहीं खिचा रहे, छड़ दो, असी नहीं, असी पिछे हो जाने, तुम बैठो चंडीगढ़ की जनता की धरने से, बैठो फोटो खिचाओ, चंडीगढ़ की जनता पानी का रेट वापस करो, बैठो। तुम स्लैब देखो 3, 6, 12, 24 2, 4, 6, 8 होंगी सी, कितने चली गई? हर घर के एवरेज 50-100 किलोलीटर जो पानी यूज होंगे, कितने जाएगा यार, लोग कितने जाएंगे? और जिन्ना पानी का पैसा बढ़ता उन्ना ही सीवरेज से 30% आ जाता है। पहले 20 रुपए सीट से कांग्रेस के टाइम 20 रुपए सीट, तू अज लोग कोई 600 कोई 1000 कोई 2-2 हज़ार रुपया जोड़ा है वो सीवरेज से पा रहे हैं, कितने तक जायज है गल्ला? मेयर ही रिस्पोंसिबल है, क्योंकि शहर की MP तू तो उम्मीद करते नहीं। अभी पहले भी कहा कि शहर की MP ने जो काम नहीं करना तो उन्होंने चाहता इस्तीफा दे दे। कोई सदन से साड़ी आवाज़ नहीं चकी जाती, पार्लीमेंट की चंडीगढ़ का कोई मुद्दा नहीं चक्या जाता, मेयर का फर्ज बनता उस तो बाद काम करना। मेयर आप कोई भी जरा गलत एजेंडा आता है, प्रशासन लैके आ रहा है, अफसर लैके, मेयर का फर्ज बनता है उत्थे उस गलू विटो कर, उस गल बोलन, उस गल रोकण का कि गलत हो रहा है। मेयर का बयान अच्छे मेयर भी चुपचाप होकर बैठी है, शहर में अनाथ बच्चे वाग छड़ता गया और बच्चा जोड़ा हूँ दरंग हों जा रहा, वो कितनी देर तक पैसे कमा कमा के उन्होंने जेबों पाएगा प्रशासन की, यह गल सोचनी पेगी तू कि असी पैसे जोड़े हैं उस वास्ते कमाने कि सरकार हर महीने एक नवा टैक्स लैके आए और सड़कों पैसे खो के ला जाए किसी ना किसी तरीके, यह लुट बंद होनी पेगी, लुट बंद करा जो मर्जी हो जाए, जी अब हाउस नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन यह जो तुकल की फरमान है इन्होंने असी चलन नहीं देंगे, इन्होंने एजेंडे को पास होने देंगे कभी। और बाहर लोगों का सबसे पहले तो हम जो प्रदर्शन है किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम अपनी मांगों के लिए खड़े होकर अपने हक की आवाज, लोगों के पब्लिक के हक की आवाज उठा रहे थे। इन्होंने क्या किया, बिना पहले बिना वर्दी के बिना अनाउंसमेंट को मार्शल आ गए, फिर उन्होंने फटाफट अपनी आइडेंटिटी कार्ड मार्शल लिख के उनको लगा दिया। आज हम बिल्कुल शांति में रहे, हम किसी से लड़ रहे नहीं, कुछ किसी को गलत नहीं कह रहे थे, बहुत जबरदस्ती हमें 4-4 लोगों ने उठाकर जबरदस्ती धक्के से उठा के ले आया। वो इसलिए ले आए कि जो इनके एजेंडे हैं, जो हम इनको पता है एजेंडे हमारे पास नहीं हो सकते, कि इनको बाहर निकाल दें जाए ताकि हम अपने इनके उनके वोट ज्यादा बन जाए, अपने उनके एजेंडे पास हो सके। ये सिर्फ सरासर धक्काशाही हो रही है। हम मेयर से ये सवाल पूछ रहे हैं, एक बार तो एजेंडा ले आते हैं, बाद में वो पब्लिक में जाके कह देते हैं, मनी माचरे में जाके कह देते हैं मैं रेफर करा दूंगी, रेफर कराने का मतलब क्या है? अगर रेफरी करा दो लेके क्यों आते हो?
हम इन्होंने हमेशा आज लोगों को पीछे मुंह पे कुछ है, पीछे कुछ है, आगे कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, जो भी बात होती है कभी भी आप देख लीजिए, इन्होंने पहले तो झंडा ले आना, बाद में कह रहे हम डेफर करा देंगे। पहले पानी के रेट बढ़ गए, इन्होंने कहा मैंने तो आपकी आवाज़ उठाई, मगर सुनी किसने? कोई पानी का टैक्स नहीं। आज लोग त्राही त्राही मर रहे हैं, सीवरेज पे सीवरेज टैक्स लग रहा है, जो जिनके पास सिलेंडर बनाने के पैसे नहीं उनके घर में पानी के बिल देख लीजिए, उनके घर में बिजली के बिल देख लीजिए। आज लोग टैक्स भरने के लायक हैं, लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें हवा में भी टैक्स ना भरने, अगर हम यहाँ से चले तो हम उसका भी टैक्स ना देने पड़े। शरा सर आज की डेट में बीजेपी हमसे धक्का कर रही है, हम शांति मुरी, हम जनता के जनता बारा पब्लिक जिनका रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने हमें जबरदस्ती हमारी आम जनता की आवाज़ दबाई है। हमने अंदर ना पुलिस वाले हम अंदर नहीं जाने दे रहे, मैंने कहा हम अंदर जाकर अपनी आवाज़ उठाएंगे, ना हम प्रदर्शन में साइड में कुछ में बैठे, मगर कह रहे हमें अंदर परमिशन नहीं है, मेयर साहब ने बोल दिया है किसी भी काउंसिल को बाहर अंदर नहीं आने देना, ताकि उनके एजेंडे जो चाहते हैं कि जो उनकी राजनीति है कि हमारे वोट बढ़ जाए, हमारे सारे एजेंडे पास हों, ये सिर्फ राजनीति के एजेंडे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। जो भी है हम आज भी चाहे हमें अंदर रहकर धरना देना पड़े चाहे हम बाहर बैठ के, हम हमेशा जनता की आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। जितना ये संपर्क हुए आज तक नहीं सुना था, ये लोग कह रहे हैं अपाहिज को, अगर आप अपाहिज ने भी अगर अपना कराना हो संपर्क में जाके उसे भी पैसे देने पड़े, लोग तो कह रहे हैं हम अपाहिजों को फ्री दे रहे हैं, मगर सरकार लगातार लोगों को टैक्स तोपे लोगों के साथ धक्का कर रही है। गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर सकते, और ये मेरे एरिया से 35 से स्टार्ट किया, आप बताओ एक तरफ से इन्होंने संपर्क पे भी टैक्स लगाने का, तो अगर कोई भी चाहे ओल्ड हो या कोई हैंडीकैप हो तो आप बताओ वो कैसे जा सकता है, मतलब वो करने के लिए। एक तरफ तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऊपर से तुम टैक्स पे टैक्स थोपे जा रहे हो, ऊपर से मेयर के पास कोई जवाब नहीं था, एक कंपनी लाना चाहते हैं, तो यहाँ के जो लोकल वर्कर है बेचारे गरीब, उनको वो कहाँ पर जाएंगे, वो क्या करे, वो घर पे बैठ जाए। देखो जो कंपनी ले, हमें कंपनी का नहीं पता, पर पिंडो के अंदर ये लेके आ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने पिछली बार भी लेके आए थे, पिछली बार चलो उनकी बेटी बीमार थी तो अब की बार फिर लेके आ रहे हैं। आप बताओ पहले एक कंपनी है फिर कंपनी है, ऊपर से स्मार्ट सिटी कहते हैं, तो आप स्मार्ट सिटी दिखाओ। जब पहले यहाँ के अपने एससी समाज के भाई थे वो पूरा अच्छा भले उठा रहे थे, ऊपर से लाना होता तो ऊपर से भी लेके आते थे, अब गाड़ियां लगाई हुई है कोई गाड़ी वाला ऊपर नहीं जाता, पब्लिक को जवाब तो हमें देना पड़ता है कि वो तो सीधा बोल देते हैं एक घर का कूड़ा उठाते चार घर का छोड़ देते हैं। आप देख सकते हो पार्कों की हालात, मेरे 43 के पार्क है, ये खुद देख सकते हो कि इन पार्कों में कोई सफाई हो कितनी बुरी हालत है। देखो बात ऐसी है, उनका मुंह नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनके पास हमारी बातों का जवाब नहीं होता है कि उनके पास है कि फोटो खिंचवाना, वो कई मेयर खुद सबसे आगे बैठी है तो सबसे पहले तो फोटो खिंचवाने के लिए मुझे लगता है कि मेयर साहिब की आएगी, ऊपर से मोदी सरकार ऊपर से है, यहाँ से MP का तो भूल ही जाओ आप, लूट के खाया जा रहा है 10 साल से 15 साल से, वो तो यहाँ फेस नहीं दिखाती। अब मेयर इलेक्शन आएगा तब कहाँ से आ जाएगी किरण खैर मैम, तो बीच में पब्लिक के पास क्यों नहीं आती है कि तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम टैक्स से तंग हो, लोगों के हाउस तोड़े जा रहे हैं, बेचारों ने अपने खून पसीने से घर बनाए हैं, ठीक है, ऊपर से गाड़ियां खड़ी करने पे पाबंद लगा रखी है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ किरण खैर मैम, जैसे बीजेपी ने पहले घड़ियां बांध रखी है सभी पब्लिक के ऊपर हाथों पे सारे वर्करों के, ऐसे घड़ी बांधो सभी पब्लिक के हाथों में ताकि जितने भी कदम रखोगे उतना ही आप पब्लिक से टैक्स लो, ठीक है, हाउस नहीं चलने देंगे, जो मर्जी हो जाए आज हाउस नहीं चलेगा, या तो हमें रिप्लाई दो कि हम टैक्स नहीं लगने देंगे, क्योंकि मेयर मैम चेयर पे इसे बिठाया जाता है एक जज की तरह होते हैं, तो वो खुद भी देखो यहीं रहते हैं पिंडों में रहते हैं, उनके घर पे भी लोग जाते होंगे, चलो राजनीति ही पार्टी की तीनों की अलग नहीं होती, पब्लिक की तरफ देखो आप, अरे हमारे तो कोई काम भी नहीं, कोई छोटे छोटे कामों के लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है इन लोगों से, ठीक है, एक पार्क तक साफ नहीं हो रहे तो टैक्स किस चीज का लगा रहे, घरों का टैक्स लगा रखे, गाड़ियों पे टैक्स लगा रखे हैं, तो एक रोटी खाना पता है बाकी रोटी खाने पे भी टैक्स लगा दो, अपनी गुंडागर्दी अच्छी तरह ही दिखा लो, दिखानी है तो, नहीं तो इस्तीफा दे दो अपने। ये अब आप सबके सामने है, मीडिया ने सारा कुछ कवर किया है, वेरी फर्स्ट डे से मैं भी मेयर कैंडिडेट थी, किस धक्के से उन्होंने अपना मेयर बना लिया और पूरे साल में क्या रिजल्ट सामने आया है, उन्होंने हमारा किस चीज में साथ दी है, वेरी फर्स्ट। हम उन पानी के एजेंडे को लेके वो कह रहे थे हम आपके साथ थे, वहाँ एडवाइजर के पास जाके वो मूक बनी रही, उन्होंने दो शब्द भी नहीं बोले और पानी के रेट बढ़ गए। आज हम इसीलिए जनता की आवाज़ को उठाते हुए आज हम पहले कह रहे थे हम एजेंडे बाद में लाएंगे, पहले हमारा ये वाला एजेंडा पास करो कि आप ये रेट नहीं बढ़ने दोगे। पार्किंग 35 का पार्किंग का मुद्दा था वो आज सुबह न्यूज़पेपर में आ गया, उन्होंने पहले ही नहीं लाने दिया क्योंकि इनको पता था कि आज उन्होंने मीटिंग चलने ही नहीं देनी है, पर आके सामने जो किया चार चार लेडीज मार्शल ने उठा, मार्शल भी क्या
डुप्लीकेट उन्होंने मार्शल लिख के मार्शल नहीं बन जाएगा। हम कैंडिडेट अगर हम काउंसलर हैं, हम काउंसलर लगाने से कोई भी लगा लेगा तो काउंसलर नहीं बन जाएगा। मार्शल लगा के ले आया और चार चार लेडीज ने उठा के मेरे को बाहर निकाला है, स्पेक्स उतर गई, बाल खोल दिए, क्या तमीज है इनकी ये। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।